हेलो, गुड आफ्टरनून, नमस्कार। मेरा नाम है आरजे राज। आप देख रहे हैं 1260th एपिसोड ऑफ नागपुर मोस्ट हैपनिंग फेसबुक लाइव शो राज की बात बी सॉर्टेड के साथ। बी सॉर्टेड एक ऐसा कार्यक्रम जहां पर हम मेंटल हेल्थ के बारे में बात करते हैं। बहुत सारी ऐसी सोच है, बहुत सारी ऐसी मानसिकता है जिसको लेकर हम बहुत सारी चर्चा करते हैं। बहुत सारे चर्चाओं के ऊपर में नागपुर शहर की, सेंट्रल इंडिया की जानी मानी साइकोलॉजिस्ट सोनल फुके मैम से हम बात करते हैं। ये था एक पोस्टर मैंने अपने कॉलेज में, जब मैं हिस्टल में पढ़ता था तब वहाँ पर मैंने ये कॉलेज में ये पोस्टर लगा हुआ देखा था। और इट वॉज एन अमेजिंग पोस्टर जो मुझे बहुत समय के बाद समझ में आया कि नारी को दो पुरुष जैसा अधिकार और वो अपने आत्मविश्वास से कर देगी चमत्कार। तो जो मैं अपनी फ्रेंड को कई बार चढ़ाता था कि मैं तो कोई इक्वल राइट देता हूँ तो क्या चमत्कार कर सकती है, तो मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ। तो मैंने कहा एक काम कर, चल मेरे नोट्स पूरे कर दे। सो दिस वॉज वन थिंग आई रियली रिमेंबर। बट देन जेंडर इक्वालिटी को लेकर जब बात आती है तो बहुत सारी चीज़ें समझ में आती है, बहुत सारी चीज़ें सामने आती है। लेकिन जेंडर इक्वालिटी को लेकर हम सब एक सबकी एक अलग सोच है। क्या सोचती हैं सोनल फुके मैम, उनसे बात करते हैं। द लेडी इन ब्लू मैम, गुड आफ्टरनून, कैसी हैं आप? नमस्कार। हेलो, आई एम गुड, हाउ आर यस, यू? आई एम गुड मैम। द ओनली थिंग इज आई एम वेयरिंग अ ब्लैक एंड यू वेयरिंग अ ब्लू, दैट्स द ओनली डिफरेंस। बाकी मैम आपके लिए भी थर्सडे, मेरे लिए भी थर्सडे। बिल्कुल बट मैम जेंडर इक्वालिटी का दिन तो एवरीडे होता है, ये डिफरेंस होता लोग देखते हैं। आपका क्या टेक है मैम जेंडर इक्वालिटी के ऊपर में? है। जब हम जेंडर इक्वालिटी के बारे में बात करते हैं तो मुझे ऐसे लगता है कि हमने ये सोचना चाहिए कि ये विषय आता ही क्यों है। जब हम ऐसे मेल फीमेल और हम ह्यूमन बीइंग्स जब हम बने हैं तब ऐसा क्यों होता है कि हमको इस विषय पे चर्चा भी करने की जरूरत पड़ती है? क्योंकि सब अपना अपना काम कर रहे हैं, सब अपने अपने तरफ से ह्यूमैनिटी के लिए कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, जी तो ये शुरुआत हुई कहाँ से? मुझे जी आई वुड रियली लाइक टू एड्रेस द पॉइंट फ्रॉम वेयर दिस एक्चुअली कुड हैव स्टार्टेड। अब जी मैं तो उस वक्त ही नहीं, जी तो वो तो मुझे नहीं पता कि ये शुरू कैसे हुआ, बट मुझे ऐसे लगता है कि थोड़ा स्टडी करने के बाद ऐसे लगता है कि जब ह्यूमन बीइंग की जब शुरुआत हुई तो दे वेर रियली गोरी टाइम्स, गोरी टाइप्स, गोरी टाइम्स, मतलब फेयर, दे वर गोरे। दे वेर वेरी गोरी बिकॉज इवन फॉर सर्वाइवल जी दे हैड टू हंट, राइट? राइट, सो मेन बीइंग बायोलॉजिकली एंड मोर फिजिकली, स्ट्रॉन्गर। बायोलॉजिकली तो फीमेल्स खैर ज्यादा स्ट्रांग होती हैं जी बट फिजिकली मेल्स आर स्ट्रॉन्गर, तो जी ये तो फैक्ट है। जी तो ये तब भी थे और दे यूज टू गो एंड हंट फॉर फूड एंड दे वुड ब्रिंग द फूड एंड दे वेर द प्रोवाइडर्स जी एंड द विमेन फोक यूज टू बी द गैदरर्स, जो बाकी जो घर की चीजें थी और वो सब संभालती थी और वो बहुत मतलब हंटिंग उनको करना पड़ता था। और फिर टाइम्स ग्रेजुअली चेंज्ड आफ्टर मेनी मेनी ईयर्स, मिलियन ईयर्स मे बी, जी तो टाइम्स चेंज्ड एंड देन अग्रेरियन सोसाइटी आई, मतलब जहाँ पे एग्रीकल्चर शुरू हुआ, तो ये जो हंटिंग वाला जो था तो वो तो कम हुआ, जी वो कम हुआ। और मेन एंड वेमेन दे बोथ स्टार्टेड कॉन्ट्रीब्यूटिंग ऑन द फार्म लैंड्स, तो वो खाना इकट्ठा काम करते थे, इकट्ठा ऐसा सब चल रहा था। एंड देन वॉट हैपन्ड, ह्यूमन बींग बींग सेल्फिश स्पीशीज, अ टेरिटोरियल स्पीशीज, दे जी वॉन्टेड टू यू नो एक्सपैंड एंड दे वॉन्टेड टू रूल ओवर दी अदर ह्यूमन बींग्स, जी तो वॉर्स चालू हुए। सो मैनकाइंड अगेन फेस्ड यू नो गोरी टाइम्स, जहाँ पे वॉर टाइम होता था और जहाँ पे पूरी की पूरी 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी मेन पे फिर से आ गई बिकॉज ऑफ द फिजिकल रिक्वायरमेंट। जी तो ये जब हुआ तब विमेन जो काम एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क वो करती थी और जो बाकी का मतलब उनके जो एयर्स है उनको बढ़ाना, उनको सिखाना, उनको तैयार करना आगे के लिए, ये काम करती थी। बट द वर्क दैट द मेन वेयर डूइंग वॉज वेरी फिजिकली इंटेंसिव जी एंड इट ऑल डिपेंडेड ऑन यू नो वेदर दे कम बैक विक्टोरियस, और अब हमने देखा है ना वो जौहर वगैरह करना पड़ता था उनको, जी जी तो दे वेर रियली वेरी डिफिकल्ट टाइम्स। तो उस वक्त ये जो फिजिकल पावर का जो था जी तो उसकी वजह से मेन ऑफ द फैमिली और द क्लैन दे डिड हैव लाइक मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड दैट इज वाई दे गेन्ड मोर इम्पोर्टेंस। जी लेकिन फिर ह्यूमन बींग का एक और ट्रेट होता है कि जो जो पावरफुल बन जाता है देन ही स्टार्ट डोमिनेटिंग द रेस्ट ऑफ द पीपल, जी जी तो वहां से फिर कट डाउन टू नाउ टूडेज टाइम्स, जब
इस तरह के वॉर्स भी नहीं होते, इस तरह के होते हैं मगर वो एक लिमिट में होते हैं, एक पर्टिकुलर लोग उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, सिविलियंस तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं। तो आज के टाइम में हमारा जो इतने सालों से जो कंडीशनिंग हुआ है, पर्टिकुलरली मेन का जो कंडीशनिंग हुआ है कि दे आर द वंस हु आर द प्रोवाइडर्स, एंड इसीलिए वो जो मेल ईगो होता है या फिर वो जो एक मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी जो हम बोलते हैं, तो उसकी शुरुआत, उसकी जो जड़ है वो उतनी पुरानी है आज के टाइम्स में, दैट इज इरेलेवेंट, इट हैज नो मीनिंग इन टूडेज टाइम्स, बिकॉज टूडे एवरीबडी कैन डू एवरीथिंग। जी, आज तो इक्वेलिटी होना बहुत जरूरी है, और इक्वेलिटी इन टर्म्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज, इक्वेलिटी इन टर्म्स ऑफ यू नो प्रोवाइडिंग देम द सेम क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, प्रोवाइडिंग देम एवरीथिंग दैट यू नो अ चाइल्ड वुड गेट, सो इट शुड बी एड्रेस्ड एज यू नो प्रोवाइडिंग फॉर द चाइल्ड रादर देन प्रोवाइडिंग फॉर अ बॉय एंड प्रोवाइडिंग फॉर अ गर्ल। वी आर गेटिंग बेटर एंड बेटर ईच डे, बट हमारा लैग बहुत ज्यादा है। जो पुराने जमाने का जो कंडीशनिंग, इज द राइट वर्ड एक्चुअली, कंडीशनिंग जो हुआ है जी, वो कंडीशनिंग इतना स्ट्रांग है कि अभी भी वो जेंडर इक्वेलिटी के लिए हम लड़ रहे हैं और लड़ना पड़ रहा है। मैम, जब बात आती है यू नो घर, एक घर के अंदर में जहाँ बेटा भी है बेटी भी है, बेटे को रात को 11 बजे तक आज़ादी है, बेटियों को भैया 7-8 बजे अंदर हो जाना, इस किस्म की चीज़ें, इस किस्म के कानून बने रहते हैं, आप इसको किस तरह से देखते हैं? मुझे ऐसे लगता है कि जो जो इक्वेलिटी इसमें, यहाँ पर इक्वेलिटी का रोल प्ले नहीं होता है, क्योंकि सी फिजिकली मेन एंड बॉयज दे आर स्ट्रॉन्गर। तो इक्वेलिटी का मतलब ये नहीं है कि आप हर चीज में झगड़ा करो इक्वेलिटी के लिए, कि वो 11 बजे आ रहा है तो मैं क्यों 11 बजे, भैया 11 बजे आ सकता है मैं नहीं आ सकती, भैया 11 बजे आ सकता है तो मैं क्यों नहीं आ सकती। कुछ कुछ चीजें जो भैया करता है वो भी सही नहीं है, तो वहां पर जेंडर इक्वेलिटी वाली बात होनी नहीं चाहिए, वहां पर बात ये होनी चाहिए कि वेदर आई एम सेफ और नॉट। अब हम पूरी सोसाइटी को अगर हम लड़ने जाते हैं कि सोसाइटी की गलती है उसमें, मेरी क्या गलती है, फिर भी एवरी पर्सन नीड्स टू बी सेल्फिश इन अ वे दैट दे हैव टू टेक केयर ऑफ देयर ओन सिक्योरिटी इफ दे आर गोइंग आउट विद यू नो पीपल हु विल टेक केयर ऑफ देयर सेफ्टी सिक्योरिटी, एंड व्हेन दे फील कॉन्फिडेंट दैट दे कैन टेक केयर ऑफ देयर ओन सेफ्टी, उसमें उनको लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी की कोई बात ही नहीं है। दे शुड हैव फुल अपॉर्चुनिटी, दे शुड हैव फुल फ्रीडम, बट दे शुड थिंक फॉर देमसेल्व्स एंड दे शुड थिंक फॉर देयर ओन सेफ्टी। और उसके तहत अगर ऐसा करना पड़ रहा है कि लड़कियों को घर जल्दी आना जरूरी है, तो नॉट फॉर जेंडर इनइक्वालिटी बट फॉर देयर ओन सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, आई थिंक दिस इज समथिंग दे शुड रियली कंसिडर। सी, दे कैन हैव व्हाट एवर फ्रीडम दे वॉन्ट, लेकिन कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में सोचना चाहिए। कुछ ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं जो बहुत लॉन्ग टर्म तक परेशान आपको करते रहे, आपका कॉन्फिडेंस उसमें लूज हो सकता है, बहुत सारी चीजें हो सकती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने घर के बाहर जाना बंद करना है, आपने ये नहीं करना है, बट यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, यू हैव टू फील प्रोटेक्टेड एंड सेफ। इफ यू आर केपेबल ऑफ डूइंग दैट, श्योरली यू कैन गो। इफ यू आर कॉन्फिडेंट दैट यू हैव फ्रेंड्स हु विल टेक केयर ऑफ दैट, श्योरली यू कैन डू इट। बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ जेंडर इक्वेलिटी, मुझे नहीं लगता है कि इवन माओ ने भी इस तरह के डिमांड्स को थोड़ा इस तरह से सोचना चाहिए कि यहाँ पर जेंडर इनइक्वालिटी का सवाल नहीं है। बट मैम, लड़कों को, बॉयज यू नो मेन, हाउ शुड दे बी ट्रेन्ड, उनकी ट्रेनिंग कैसे होनी चाहिए, उनको कैसे सिखाएं कि जेंडर इक्वालिटी का वो सपोर्ट करें? मुझे लगता है कि उनको बहुत बचपन से इस बात का ट्रेनिंग मिलना चाहिए, क्योंकि जो जो कंडीशनिंग उनका हुआ है, जैसे विमेन का भी कंडीशनिंग हुआ है, बट टूडे दे नो दैट दे आर केपेबल ऑफ थिंग्स एंड दे नो दैट दे कैन हैंडल एवरीथिंग, तो वो बहुत पावरफुल हो गई हैं विमेन। बट इस बात को लेके बॉयज मेन लड़कों का उतना अब तक एक्सेप्टेंस शायद नहीं हुआ है। उनको लगता होगा कि वो फिजिकली ज्यादा फिट हैं, मगर ऐसा नहीं है। देर आर मेनी ऑप्शन इवन फॉर विमेन कि जहां वो चाहे तो वो सिक्योरिटी अपने लिए ला सकती हैं, अपने डिफेंसेस खुद वो ये कर सकती हैं। और इसका जो ट्रेनिंग है वो बचपन से लड़कों को मिलना बहुत जरूरी है कि वो और
द फीमेल्स द गर्ल्स उनमें कोई डिफरेंस नहीं है. अगर इनमें कोई ये पर्टिकुलर चीज ज्यादा है तो इसकी शुरुआत तो हम बिल्कुल हमने बायोलॉजिकल डिफरेंसेस के साथ अगर हम इसको क्लैरिफिकेशन अगर हम दें जी, तो जब डिलीवरी के टाइम पे अगर कोई कॉम्प्लिकेशन होता है तो इफ इट इज अ फीमेल चाइल्ड अ फीमेल बेबी तो सर्वाइवल के चांसेस ज्यादा होते हैं बिकॉज दे हैव डबल एक्स क्रोमोसोम्स. सो दे हैव अ पेयर ऑफ यू नो द होल सेट जो उनका जो सिस्टम है डीएनए का, तो उसकी वजह से दे आर स्ट्रॉन्गर एट बर्थ. उस वक्त उस कॉम्प्लिकेशन के वक्त अगर फीमेल के जगह अगर मेल है तो चांसेस थोड़े से ज्यादा रिस्की हो जाते हैं सर्वाइवल के. तो बायोलॉजिकली फीमेल्स आर स्ट्रॉन्गर एट बर्थ. तो ये जैसी फैक्ट है वैसे ही फैक्ट ये है कि आगे जाके जो मस्कुलर डेवलपमेंट होता है, जो उनका जो बॉडी कॉम्पोजिशन होता है, जो उनकी स्ट्रेंथ होती है, वो विमेन से ज्यादा होती है. इसलिए वो ज्यादा शॉपिंग बैग उठा पाती है मैम, है ना? बिल्कुल. अच्छा मैम, वक्त के साथ ना ये जो लड़कियां हैं वो उनके लिए भी शौक एक बड़ी चीज नहीं रही है ना, वो भी आजकल जमाने भर के शौक कर रही हैं. दे आर ड्रिंकिंग, क्यों नहीं करने चाहिए? बट मैम दे आर ड्रिंकिंग, दे आर स्मोकिंग, दे आर डूइंग हुक्का. नो, आई डोंट एंडोर्स दैट बाय द वे. या सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? सी अगेन, वहां पर जेंडर इनइक्वालिटी की तो कोई बात ही नहीं है. अच्छा, कि लड़की पी लड़का जब पी सकता है तो लड़की क्यों नहीं? मैंने मतलब मुझे एक चीज यहाँ पर मुझे याद आ रही है जी, कि सिगरेट फूंकने से जी लड़कियों के भी फेफड़े ही खराब होते हैं, किरदार नहीं. ये समझना बहुत जरूरी है. सी इट इज नॉट अबाउट जेंडर इनइक्वालिटी. अगर कोई अगर बहुत ही खराब काम कर रहा है जी, तो आपको करने की इच्छा क्यों होनी चाहिए? सही बात. सी कूल क्या है? कूल ये है कि टिल द एंड ऑफ योर लाइफ यू आर एबल टू यू नो ब्रीद फ्रेश एयर एंड फील रियली हेल्दी. दैट इज कूल, राइट? व्हाट इज कूल? दिस इज कूल, दैट टिल द एंड ऑफ योर लाइफ यू शुड रिमेन हेल्दी एंड योर लंग्स शुड रिमेन हेल्दी. दैट इज अ कूल थिंग, राइट? अब अगर बॉयज को वो फ्रीडम अगर लगता है कि हमने स्मोक करना चाहिए, हमने ड्रिंक करना चाहिए, हमने ड्रग्स करना चाहिए, तो वो भुगतते हैं. वो कोई भी रहे, लड़का लड़की. इट इज नॉट अबाउट जेंडर इनइक्वालिटी, इट इज अबाउट सम काइंड ऑफ एन एडिक्शन. सो भुगतिंग विल हैपन. एडिक्शन इज बैड, इट इज रॉन्ग, इट इज अ वेरी सेल्फ डिस्ट्रॉइंग बिहेवियर. सो इट शुड नॉट बी एंडोर्स्ड. तो उसमें गर्ल्स और बॉयज की तो बात ही नहीं है. गर्ल्स ने तो स्मोकिंग और ड्रिंकिंग करना ही नहीं चाहिए. उसमें एक एडिशनल बात ये है, किसी इवेंचुअली दे आर द वंस हु आर गोइंग टू एक्चुअली कैरी द नेक्स्ट जनरेशन, राइट? दे आर द वंस हु आर गोइंग टू कैरी द नेक्स्ट जनरेशन. तो उनपे ये एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है. लेकिन वहां तक अगर हमने नहीं भी अगर समझा, ये कोई बोल सकता है कि नहीं मुझे तो शादी नहीं करनी है, मुझे तो बच्चे ही नहीं पैदा करने हैं, तो मैं क्यों नहीं स्मोक और ड्रिंक करूंगी. लेकिन लंग्स तो फिर भी खराब होते हैं, लिवर तो फिर भी खराब होता है. पर ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर लड़कियां स्मोक करेंगी तो उनके लंग्स जल्दी खराब हो जाएंगे, ऐसा तो बिल्कुल नहीं. ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है. मगर अगर आप एक पैकेट फूकोगे दिन भर में तो आप दोनों को इक्वली खराब होगा आपके लंग्स. इक्वली खराब होगा. और हर एक का जो सस्टेनेंस होता है वो भी अलग अलग होता है जी. मैंने बोला ना उसका और एक जो सोसाइटी जो इस तरह का प्रेशर होता है कि ये लड़की स्मोक करती है मतलब इसके संस्कार अच्छे नहीं है, तो बात उसकी नहीं है, बात ये सब संस्कारों की. और अगर घर में वो देखती है कि अपने फादर अगर स्मोक कर रहे हैं तो फादर का कैरेक्टर अलग हो गया और वो लड़की का कैरेक्टर अलग हो गया, ये तो गलत बात है. शी माइट हैव टेकन देवानंद अ लिटिल मोर सीरियसली. मैं जिंदगी को धुएं में उड़ाता चला गया, उड़ाता. लेकिन फिर वो जब धुएं में जब उड़ तो बहुत कुछ फिर धुएं में उड़ जाता है. हेल्थ भी धुएं में उड़ जाती है अगर ड्रिंकिंग ज्यादा करते हैं, अगर ड्रग्स ज्यादा करते हैं. और कैसा है ना कि ये भी एक फैक्ट है कि अभी जैसे कभी कभी जैसे पब्स में या किसी पब्लिक प्लेसेस में कहीं पर भी ऐसे कभी मेडिसिन वगैरह डाल सकते हैं ड्रिंक्स में, जिसकी वजह से आपके मतलब इन ट्रू सेंस आपके होश उड़ जाते हैं और फिर नेक्स्ट डे आपको कुछ याद ही नहीं होता. ऐसे हम सुनते हैं, हम पढ़ते हैं, एंड दैट इज रियली स्केरी. एंड इट इज अबाउट योर लाइफ. सो व्हेन इट इज अबाउट योर लाइफ, इट डजंट मैटर कि आपका जो काउंटर पार्ट है उसको ये सब अलाउड है, मगर अनफॉर्चुनेटली आपको कॉन्सिक्वेंसेस ज्यादा फेस करने पड़ेंगे क्योंकि
वो उस मामले में ये बहुत जरूरी है कि आपकी सेफ्टी और सिक्योरिटी का ख्याल रहे। इसलिए ये जेंडर इनइक्वालिटी वाली बात नहीं है, जो गलत है वो सबके लिए गलत है। पर मैम जैसे लड़का और लड़की की होती है सगाई, ठीक है, पर लड़की की अकेले होती है विदाई। जी तो मैम ये जो पूरा थॉट प्रोसेस है, ये तो मैम हमारे रूट से आ रहा है, हमारे संस्कारों से आ रहा है, हमारे किससे आ रहा है, हमारे धर्म से आ रहा है, या फिर हमारे एंसेस्टर्स से आ रहा है, सेंचुरी से आ रहा है। तो मैम ये तो आजकल इस पर भी मैम जेंडर इक्वालिटी को लेकर सवाल, इसको कनेक्ट कर सकते हाँ, हैं हो क्या इसको, सकता ये है, मानसिकता हो सकती है ऐसा क्या? हो सकता है, जेंडर इक्वालिटी पे सवाल हो सकता है, लेकिन अभी जो सोसाइटी जिस तरह के चेंजेस के थ्रू जा रही है, जी तो उसमें ये बहुत ही कॉमन हो गया है कि एट द एज ऑफ 18 द बॉय लीव्स द हाउस एंड गोज फॉर कॉलेज, जी एंड इवन द गर्ल गोज आउट ऑफ द हाउस एंड गोज फॉर कॉलेज, जी एंड लेटर ऑन उनके जहाँ जहाँ उनके जॉब्स होते हैं, जहाँ जहाँ वो सेटल होते हैं, वहाँ वहाँ वो अपनी लाइफ शुरू करते हैं। जी तो धीरे धीरे ये तो चेंज हो ही रहा है, ये बहुत बड़ा चेंज हो रहा मैम घर है जवाई बड़े भी बन स्केल रहे हैं पे। ना लड़के, ऐसी बात तो नहीं कि घर हाँ, जवाई तो नहीं बन रहे। देखो पेरेंट्स का ख्याल रखना तो कितनी अच्छी बात होनी चाहिए। जी हमारी सोसाइटी कभी कभी बहुत डिफेक्टिव सोचती है, जी इट्स अ फैक्ट जी कि हमारी सोसाइटी बहुत डिफेक्टिव सोचती है। तो अगर किसी के भी पेरेंट्स का अगर ख्याल रखा जा रहा है, अगर, तो ये कितनी अच्छी बात और कितनी अप्रिशिएट करने वाली बात होनी चाहिए। ये एब्सोल्युटली उसमें मतलब किसी को ऐसे डिग्रेडेड तो लगना ही नहीं चाहिए कि लड़की के पेरेंट्स को हम, क्योंकि अल्टीमेटली आप उनको संभाल रहे हैं, जी वो आपको नहीं संभाल रहे हैं, क्योंकि आप भी बड़े हो रहे हैं, उनको भी जरूरत पड़ने वाली है। तो मुझे लगता है कि इट्स अ वेरी हेल्दी वे कि अगर आप द आइडियल इज दैट यू नो इफ यू कैन टेक केयर ऑफ बोथ द पेरेंट्स, जी लेकिन काफी बार वो जो पॉसिबल नहीं होता है बिकॉज यू आर लिविंग इन डिफरेंट सिटीज, यू आर लिविंग इन डिफरेंट लोकेशंस, जी तो ये होता है। तो मुझे ऐसे लगता है कि ये जो परिवर्तन सोसाइटी में आ रहा है वो ऑलरेडी आ रहा है, और दोनों को अपने अपने पेरेंट्स से काफी बार, मोस्ट ऑफ द टाइम्स, अलग रहना पड़ता है, पर जहां पॉसिबल है वहां पेरेंट्स का ख्याल रखना, इससे मुझे लगता है कि इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग। बट मैम जैसे हमारे पार्लियामेंट में ओनली 14.4% लेडीज आर इन द पार्लियामेंट, है ना, इन द लोकसभा। मैम प्रत्याशियां भी जो होती हैं, या प्रत्याशी जो लोग होते हैं जो इलेक्शन में खड़े होते हैं, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जब उनको टिकट भी देती है, तो द नंबर ऑफ मेल्स आर मोर। क्या हमारे सीनियर पॉलिटिशियंस, पार्टी के अध्यक्ष जितने भी हैं बड़े बड़े पॉलिटिकल पार्टीज के, क्या वो मानते हैं, मतलब फॉर एग्जांपल कांग्रेस मैम, द पॉलिटिकल फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम सोनिया गांधी वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस, बट द नंबर ऑफ सीट्स विच हैव बीन गिवन और जिन्होंने इलेक्शन लड़ा है, वो नंबर बहुत कम है। बीजेपी ऑल्सो नंबर्स आर वेरी लेस फॉर जब टिकट्स देते हैं महिलाओं को। तो मैम ये जो थॉट प्रोसेस है, क्या ये सही है? बिकॉज आप घर मैनेज करने के लिए महिला को देखते हो, लेकिन जब आप देश मैनेज करने की बात करते हो तो आप महिलाओं को वीक देखते हो। हम क्यों ये भूल जाते हैं कि हमारी प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी रह चुकी हैं, नहीं मैम हम भूलते नहीं हमारे है। कंट्री में अभी हमारी दो प्रेसिडेंट्स जो रह चुकी हैं, और अभी करंट जो हमारी प्रेसिडेंट है वो भी एक फीमेल है। जी हमारी कंट्री, आई वुड प्राउडली से दैट जी वी आर वे अहेड ऑफ द डेवलप्ड यूरोपियन कंट्रीज और इवन अमेरिकन कंट्री व्हेन इट कम्स टू विमेन बीइंग इन द फोरफ्रंट इन पॉलिटिक्स। जी बट इट कुड बी अ पर्सनल चॉइस ऑफ विमेन ऑफ नॉट गोइंग इन टू पॉलिटिक्स, क्योंकि उनको सब कुछ, अपनी फैमिली वगैरह वगैरह सब कुछ उनको सेकेंड त्यागना इस पे पड़ता डाल है। देना पड़ता है, जी इट्स अ ह्यूज सैक्रिफाइस। तो उतनी शायद उनकी तैयारी नहीं होती बट है। मैम मुझे इंदिरा गांधी ने तो दोनों बच्चों को बड़ा किया था मैम। हाँ किया था, पर हमारे कंट्री में वहां इनइक्वालिटी, जेंडर इनइक्वालिटी मुझे नहीं लगता कि सोसाइटी की वजह से है, मुझे लगता कि वो पर्सनल चॉइस की वजह से ज्यादा है। क्योंकि हमारे कंट्री में तो हमेशा ही एनकरेज किया गया है विमेन को पॉलिटिक्स में आने के लिए। जी अभी महिलाएं हैं जो नहीं चाहती हैं। बहुत हैं, सुषमा स्वराज थी, अभी स्मृति ईरानी है, एंड देर आर सो मेनी मोर। जी तो है, नंबर कम है, बट मुझे लगता है कि वो सोसाइटल प्रेशर से ज्यादा प्रॉब्ली इट इज अ पर्सनल चॉइस कि आपको फिर जो पॉलिटिक्स के लिए जो चीजें रिक्वायर्ड होती हैं वो आपके अंदर लाना माइट नॉट बी वेरी इजी फॉर ऑल द वुमेन आउट देयर। मे बी इट्स मोर ऑफ अ पर्सनल चॉइस रादर देन द सोसाइटल। ये मैम ये मेरा आखिरी सवाल होगा जी मैम, जेंडर इक्वालिटी ये कहीं ना कहीं मैम हम देखते हैं तो 9 दिन जो हमारे होते हैं नवरात्र के, उसमें अलग अलग माताओं की पूजा होती है पूरे 9 दिन,
और उसके बाद मैम बहुत सारे ऐसे क्राइम भी होते हैं जो महिलाओं के ऊपर में होते हैं, है ना। और ऐसे महिला अभी बीच में वो दिल्ली वाला एक हुआ था, कार के नीचे वो महिला दबी थी और वो एक लंबे दूरी किलोमीटर्स तक उसको गई नो घसीटा गया था। एक अभी महिला का यू नो उसके टुकड़े टुकड़े करके उसको पूरे शहर में वो अलग अलग जगह फेंक दिया उसने। महिलाओं के ऊपर में जो क्राइम होते हैं मैम, उसका भी जो रेशियो है वो भी बढ़ता जा रहा है। जहाँ इन जेंडर इक्वालिटी के बारे में बात हो रही है, वहीं भी ये सब चीज़ें भी बढ़ती जा रही हैं। आप इसको किस तरह से देखते हैं? मैंने बोला ना, बिकॉज फिजिकली मेन आर मोर पावरफुल, विमेन हैव टू रियली टेक केयर एंड ट्राई टू रिमेन सेफ। जब मेरे पास ये मैम, ये आदमी का फ्रस्ट्रेशन है क्या? ये आदमियों बिकॉज ये का, आगे बढ़ रही है, महिलाएं मुझे बढ़ रही लगता है हैं। कि ये आदमियों का फ्रस्ट्रेशन है, ये आदमियों का फ्रस्ट्रेशन है, एंड मेन आर नॉट कंडीशनड। और दूसरा ये है कि जो एक क्रिमिनल मेंटालिटी होती है, जी जो क्रिमिनल मेंटालिटी है, वो या ऐसे सिचुएशंस में निकलती है। लेकिन ये जो मतलब जैसे 12, 13, 14 साल की जब लड़कियां, उनकी मदर्स कभी काउंसलिंग के लिए आती हैं, लड़कियां काउंसलिंग के लिए आती हैं, तो उनको ये क्वेश्चन मार्क होता है कि वी रियली वांट टू रेज आर डॉटर्स इन अ वेरी मॉडर्न वे। वी जी डोंट वांट देम टू फील दैट यू नो दे आर एनी लेस देन अ मेल काउंटर पार्ट, अ बॉय और एनीथिंग। तो यूजुअली आई अलाउ हर टू वेयर एनीथिंग इन पब्लिक स्पेसेस। आई डोंट वांट टू से नो टू हर बिकॉज आई डोंट थिंक दैट इट इज अ वेरी रिग्रेसिव थिंग टू डू दैट। तो मैं यूजुअली उनको ये बताती हूँ कि ऐसा समझिए, जस्ट इमेजिन कीजिए कि आपकी बेटी अपने फ्रेंड्स के साथ एक मॉल में गई है जी और उसने एक ऐसा मतलब स्पगेटी टॉप उसने पहना हुआ है, बिकॉज यू नो ऑल ऑफ हर फ्रेंड्स एंड हर फ्रेंड्स इन द यूएस और इन द वेस्टर्न कंट्रीज, दे आर वेयरिंग दीज ड्रेसेस इन अ वेरी नॉर्मल एंड कैजुअल फैशन। तो वो जी जाती है जी और अगर वहां जाने के बाद अगर कोई लड़का या कोई भी अगर बदतमीजी करके उसका वो स्पगेटी स्ट्रैप नीचे खींच लेता है, ओ माय गॉड। अगर ऐसा होता है जो कि हो सकता है, जी तो क्या वो उस सिचुएशन को संभाल पाएगी? क्या वो अपने आप को ट्रॉमा कम करने की कोशिश करेगी, खुद का ट्रॉमा? इज शी केपेबल ऑफ डूइंग दैट? जी इफ शी इज केपेबल ऑफ डूइंग दैट, यू आस्क हर, यू आस्क योर डॉटर कि अगर ऐसा कुछ अनटूवर्ड, अगर ऐसा कुछ इंसिडेंस होता है, क्योंकि हम जहाँ पब्लिक प्लेसेस में जाते हैं ना, वहाँ पे अपने मेल सोसाइटी जो है या अपनी इंडियन सोसाइटी में जो हमारे जो मेल्स हैं, दे आर स्टिल नॉट कंडीशन्ड दैट मच टू रिस्पेक्ट विमेन, टू रिस्पेक्ट देयर चॉइसेस। उतना पब्लिकली अभी तक वो नहीं हुआ है, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट बट इट इज ट्रू। जी तो ऐसे सिचुएशन में अगर आप अपने आप को संभाल सकते हैं एट द एज ऑफ 35 या 30 और वट एवर इट इज, वेन वेन आई फील दैट आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि अगर कोई कुछ करता है तो मैं वो हैंडल कर, मैं पलट के एक झापड़ मार सकती हूँ, जी मेरे में उतनी कैपेसिटी आ गई है, देन आई फील दैट देन इट इज यू नो सेफ और ओके टू डू वट यू वॉन्ट। बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट अगर आपको उस तरह के कपड़े अगर आपको पहनने हैं, तो आप कॉन्टेक्स्ट को ध्यान में रखते हुए पहनिए। जी अगर आप किसी सेफ जगह जा रही हैं, किसी सेफ एनवायरनमेंट में जा रही हैं, किसी अगर आप पार्टी में जा रही हैं मगर वहां पर अपने ही सब लोग और हैं, अपनी मानसिकता से, अपने अपने लेवल मानसिकता की के थिंकिंग लोग वाले। हैं, आप हाँ वेस्टर्न कंट्रीज में ये इस तरह के क्राइम्स बहुत कम होते हैं, जी तो इसलिए हम उनके साथ वैसे कंपैरिजन नहीं कर सकते। इट माइट जी नॉट बी एब्सोल्युटली फेयर बट इट राइट इज ट्रू, इट राइट इज ट्रू। और इम्पॉर्टेंट बाकी कुछ भी नहीं है, इम्पॉर्टेंट ये है कि हमारे लड़कियों को सेफ लगना चाहिए, जी हमारे लड़कियों को अगर उनके साथ कुछ हादसा अगर होता है जी बिकॉज ऑफ देयर ओन चॉइसेस ऑफ यू नो वेयरिंग ड्रेसेस और एनीथिंग, जी दे शुड बी एबल टू हैंडल इट। फिर आप उनको वैसा ट्रेन करो, जी फिर आप उनको वैसा ट्रेन करो कि अगर ऐसे जगह पे अगर ऐसा कोई करता है तो उस वक्त तुम क्या करोगी, ये स्ट्रेटेजी बना के आप भेजो, सो दैट यू नो शी फील्स कॉन्फिडेंट एंड सेफ। तो ये आप कहाँ जा रहे हैं, ये वो बहुत इम्पोर्टेंट है। आई थिंक मैम, जो सेल्फ डिफेंस वाली बात है, ये तो समझना सबके लिए बिल्कुल, ज़रूरी है। सेल्फ डिफेंस हर लड़की ने और सीखना आई चाहिए, एम श्योर, रही बात कपड़ों की, तो आई थिंक लड़कियां जो चाहें वो पहन सकती हैं। द ओनली बिल्कुल थिंग इज फ्रीडम दे हैव उनको टू होना चाहिए, दे दे द ओनली थिंग इज दे हैव टू यूज देयर ओन लॉजिक कि कहाँ पे क्या पहन राइट, के जाना एब्सोल्युटली। वो है ना। कॉन्टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट पे ध्यान होना चाहिए हाँ और बिकॉज जेंडर इक्वालिटी होनी ही चाहिए इन टर्म्स ऑफ देम गेटिंग द अपॉर्चुनिटी, इन टर्म्स ऑफ देम गेटिंग द फ्रीडम। मतलब ये फ्रीडम होना चाहिए, बट देन शी शुड यूज हर ओन
सेंस ऑफ डिस्क्रिशन, जहाँ पर ये चीज़ें हो रही है ये उनके लिए एक तरह का एक यू नो एक रिफ्रेशर है ये शो, और जहाँ नहीं हो रही है उनके लिए ये एक इंट्रोडक्शन है कि भाई जेंडर इक्वालिटी करना शुरू कर दो बिकॉज वक्त बदल रहा है ना। बिल्कुल, आपने अपना वक्त दिया, आपने हमसे बात करी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम। यू बॉट अ न्यू आईफोन, उसके लिए भी आपको बधाई। थैंक यू। नेक्स्ट वीक आपसे फिर मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मिसेस सोनल फुके साइकोलॉजिस्ट हैं, जानी मानी, उनसे मुलाकात हुई, बात हुई, जेंडर इक्वालिटी के ऊपर में एक विशेष रूप से चर्चा हुई। एक बड़ी अच्छी बात जो मैडम ने कही अपने पूरे इसमें कि वाकई में आप किसी भी लड़की को कोई भी किस्म का रोक टोक नहीं होना चाहिए परिवार में, बस इतना है कि अपने लॉजिक्स का इस्तेमाल सबने करना चाहिए, वो लड़का हो या लड़की, सबको इक्वल राइट दें। अगर आप लड़के को 11 बजे की अनुमति दे रहे हैं तो आप लड़की को भी दे दें, अगर आप लड़की को अगर 7 बजे की अनुमति दे रहे हैं तो लड़के को भी बोल दें कि उसको 7 बजे घर आना है। तब जाकर आप अपने फैमिली में जब वो एनवायरनमेंट रखना शुरू करेंगे ना तो वो ऑटोमेटिकली समाज में भी इंट्रोड्यूस हो ही जाएगा। शुरुआत घर से ही होती है, वो चैरिटी हो या फिर समाज में बदलाव की। एक बड़ी अच्छी बात किसी ने कही थी कि एक स्पेशली महिलाओं को लेकर कि एक महिला किसी मोहब्बत करने वाले को भुला सकती है लेकिन जो उसे इज्जत दे, रिस्पेक्ट दे, उसे वो कभी नहीं भूलती। क्या ये बात पुरुष समझेंगे? नहीं समझेंगे तो समझ जाइए। आपसे फिर होगी मुलाकात इन राज की बात। तब तक आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, व्यस्त रहें, परिवार के साथ एक अच्छा वक्त बिताएं, और अपने परिवार में अगर एक बेटा और एक बेटी है तो दोनों को इक्वल राइट्स दे। जिंदा रहें। जय हिंद।